नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नज़र आ रहा, पर हाँ, क्योंकि हमारा देश कुछ ऐसा है कि भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, इस चीज़ को देखते हुए जो इस वक्त जोर पकड़ा है इस चीज़ ने कि हमें बेटी को बचाना है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनसे हम इस वक्त जूझ रहे हैं और उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए एक अच्छे भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ऐसा है कि जो पुरानी रीतियाँ थी उन्हें हम पीछे छोड़ने की कोशिश में हैं और उसमें कुछ बदलाव लाने में कुछ समय तो लगेगा ही, और एक सडन जो है झटके से हम लोग एक नए उसमें 21वीं सदी में आ गए हैं। आज महिलाएं जो हैं वो पूरे कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ में चल रही हैं, और इस चीज़ को देखते हुए हमें महिला को आगे करना है। और आपको मालूम है कि 50% जनसंख्या महिलाओं की है देश के अंदर, तो अगर ये महिलाएं, अगर हमारी 50% जो जनसंख्या अगर ये पिछड़ी रहेगी और ये अगर साक्षरता के इसमें इनको नहीं लाया जाएगा गेढ़े में, तो आप सोचिए कि भाई एक परिवार जो है वो किस तरीके से सुसंस्कृत हो सकेगा। कहते हैं कि एक महिला अगर पढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार पढ़ता है, और आज आप जानते हैं कि मोदी जी ने भी एक नारा दिया, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये महिलाओं को आगे करने के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, आप देखेंगे पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री एक महिला को बनाया है, हमारी महिलाएँ जो हैं आज फॉरेन मिनिस्टर भी एक महिला हैं, इस तरीके से लोकसभा स्पीकर भी महिला है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट भी एक महिला है, और आप तो जानते हैं कि कल्पना चावला जैसी और सुनीता विलियम जैसी महिलाएं भी जो है वो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो ये सब देखते हुए हमें तो अपनी महिलाओं को बहुत आगे करना है। आज सेना में भी आप देख रहे हैं कि पायलट भी हैं, और यहाँ तक कि कॉम्बैटिंग के लिए भी महिलाओं को हम लोग आगे कर रहे हैं, जो कि पहले एक सुनने में नहीं आता था कभी भी कि इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। डॉक्टर तो ज़्यादातर जो प्रोफेशन थे डॉक्टर टीचर के महिलाओं के साथ में उनको जोड़ा जाता था, लेकिन आज इस तरीके के प्रोफेशन भी करती हैं। सिक्योरिटी में आप देख लीजिए, चाहे तो आप जेलों की सिक्योरिटी देखिए, चाहे तो आप मेट्रो की सिक्योरिटी देख लीजिए, बॉर्डर पर देख लीजिए, सेनाओं में, सब जगह पर जो है महिलाएँ आज बिल्कुल आगे आगे पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल रही हैं। और हमें लगता है कि कुरीतियों से भी हम जल्दी हमारी जनता पीछा छुड़ा लेगी और महिलाओं को उनका वो दर्जा मिल पाएगा जो कि उनका ईश्वर ने या हमारे कह लीजिए कि नेचर में जो हमारे उनको मिला हुआ है बराबरी का दर्जा पुरुषों का। कि ये ऐसा कई जगह में, कई सारी हमारी कुछ स्टेट्स भी हैं जिसमें कि ये इस तरह की कुरीतियाँ जो हैं वो चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अब ये धारणाएँ बदल रही हैं और कानून भी बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है। हमारे जजेस, हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नेता लोग सभी इस चीज़ का जो है संज्ञान में ले रहे हैं और इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें हमारी जनता लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, उन्हें भी अपना ये सोचना पड़ेगा कि अगर सास सोच ले कि मैं भी कभी बहू थी जी, तो ये सारा आधा समस्याएं तो हमारी उसी में ही सॉल्व हो जाती हैं। और कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस वक्त भी उनको बराबरी रखना चाहिए, लड़के को और लड़की को बराबर का उनको देना चाहिए, वो पढ़े तो वो भी पढ़े। ये हमारे यहाँ ये है कि भाई लड़की तो शादी करके चली जाएगी तो इसके ऊपर हम खर्चा क्यों करें, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जब बाद में अनपढ़ लड़की रह जाती है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, जो खर्चा उस वक्त करना पड़ता है उसको हम पहले से ही लेकर के क्यों ना चलें, हम बेटी को ऐसे पैरों पर खड़ा कर दें जिससे बाद में वो किसी समस्याओं से जूझने में सक्षम हो। सदियों से अभी जो है हमारे यहाँ पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसीलिए जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो कि महिलाओं की फेवर करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कि दे आर हैवीली लोडेड इन फेवर ऑफ वेमेन। अब उसमें जो है क्योंकि हम महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर चुके हैं, उनको इतने उनका उत्पीड़न कर चुके हैं, तो अब उन्हें कुछ राहत मिलती है इन कानूनों के हैं। बदला लेने नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम बदला ले रहे, उससे भी हमारे समाज का नुकसान होगा, तो लेकिन महिलाओं को भी ये समझाने की आवश्यकता है कि जो आपका हक है वो आप लीजिए, लेकिन दूसरों का हक मत छीनिए। तो इसमें बैलेंस भी ला रहे हैं, अभी देखिए आपने क्रिमिनल इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स भी हैं, पहले पूरे परिवार को कर देते थे अंदर डाउरी के केस में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है इसको थोड़ा सा बैलेंस रखा जा रहा है कि भाई ये नहीं है कि पूरा परिवार ही उसमें दोषी है, तो जिसके साथ में क्राइम का संबंध है उसी उतने ही दायरे में उसको देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है जब कानून बनते हैं ना इस तरीके की हाय हाय मचती है, मीडिया वाले भी आप लोग इस तरीके का वो करते हैं, प्रेशर पड़ जाता है तो दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं भैया इसका तो कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि हम महिलाओं को रिलीफ दे सकें, तो उसी अच्छा करने के जज्बे में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अब उसको भी ठीक किया जा रहा है कि ये नहीं है कि हम पुरुषों को भी कोई मतलब प्रताड़ित किया जाए, ऐसा नहीं, हम चाहते कि एक और समाज खड़ा हो जाए और संगठन बन जाए जो पुरुष बचाओ आंदोलन चल पड़े, तो इसीलिए इस चीज़ को रखते हुए
मद्देनज़र हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है समाज के अंदर, और इसमें सरकारें लगी हुई हैं, कई सारी समाजसेवी संस्थाएँ भी इसमें कर रही हैं, हमारी संस्था भी कर रही है इस काम को।